लोग शादी में जाना है हम लोगों को, तो इस वजह से अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। हम लोग स्टेशन पे और हम लोगों का भोपाल का ट्रेन है। प्लेटफॉर्म पे बहुत गर्मी लग रही है ये, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारी ट्रेन आ रही है, हम लोग वेट कर रहे हैं आगे का। अभी सुबह हो गए और हम लोग कल दोपहर का चले हुए हैं और अभी तक भोपाल नहीं पहुँचे हैं। अभी कैसे पहुँचेंगे? अभी हम लोग बिलासपुर पहुँचे। अभी तो सफर शुरू हुई है। अभी यहाँ से ट्रेन, अभी यहाँ से ट्रेन भोपाल के लिए पकड़ेंगे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और रात में 9 बजे हम लोग पहुँचेंगे। रात में 9 बजे हम लोग के पास लगेज भी बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हो, ये शादी की तैयारी वाली लगेज है, और क्योंकि फैमिली साथ में है तो लगेज तो होगा मेरी फैमिली और वो फ्रेंड्स, हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ है और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा क्योंकि अब कंटिन्यू हम लोग यहाँ से भोपाल साथ, फिर हम लोगों का आगे प्रोग्राम है आगरा या फिर दिल्ली। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को में बने रहें और कंटिन्यू रहें। हमारी ट्रेन भी आने वाली है और हम लोग वेट ट्रेन में। हम लोगों के साथ दो फोटोग्राफर्स भी आए हैं, वो ये हमारा फोटोग्राफर्स, इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, हमारा टुल्लू फोटोग्राफर और उसका असिस्टेंट अनीस पूजा, वो फोटोग्राफर टुल्लू जो कि सिर्फ छोटी अपने छोटी मम्मी पर सिर्फ फोकस करता रहता है, इसको किसी का फोटो खींचने से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटी मम्मी का। अरे क्या तुम लोग बात कर रहे हो यार, बस एक साथ कहीं पर भी आ जाना है। कुछ बाबू चिकू और यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो गया है, मतलब बारिश आने की पूरी संभावना है। पूरा काला काला सा बादल है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, कब ट्रेन आएगा। फ्रेंड, यहाँ का मौसम रियली में बहुत ही मस्त है, और अगर इस मौसम में अगर इसी टाइप का मौसम रहेगा तो ट्रेन में हम लोग भोपाल जाते जाते तो एकदम पूरा बहुत मस्ती करते हुए जाएंगे, ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। देखो आप लोग कितना स्पीड से बारिश हो रहा है। फ्रेंड, हवा बहुत तेज चल रही है। अच्छा, चीकू को देखिए कान में। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ इतनी ज़ोरों से बारिश होने लगी, आप देखो बहुत बहुत ज़ोरों की ज़ोरदार बारिश हो रही है एकदम, और थंडरिंग काफ़ी है। और यहाँ लोगों का हालत देखिए क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म पे। हमारी चिकू बेटी का देखिए क्या स्थिति है। बाबू मतलब अभी देखते देखते इतने ज़ोरों से बारिश होने लगी, पूरा प्लेटफॉर्म पर भी पानी आ रही है और हम लोग भीग रहे हैं तो बाबू चिकू को बहुत ठंड लगने लगी, तो हम लोगों को जो हम लोग चादर लेकर के आए थे वो उड़ाना पड़ा बाबू को। अभी तक हम लोगों की ट्रेन आई नहीं है, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, आधे घंटे लेट हैं हम लोगों की ट्रेन। काफ़ी सारे लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं।
बारिश की वजह से सारे लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। क्या आ गई क्या ट्रेन? ट्रेन आ गई। तो हमारी ट्रेन आ गई है और हम लोग भोपाल के लिए निकल चुके हैं और अब कुछ भूख लगा था हम लोगों को, क्योंकि रात में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, मन नहीं था। घर से हम लोगों ने सत्तू का पूड़ी और छोले बनाए थे, छोले बट ख़राब हो गए, तो अभी सोचा कि सुबह सुबह अब हम लोग फ्रेश व्रेश हो गए हैं, फ्रेश व्रेश करके अब जब ट्रेन में बैठ गए तो सोचा कि हम लोग कुछ नाश्ता कर लेते हैं जो लाए थे घर से, क्योंकि बाहर का ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता है। लोगों का अब नाश्ता हो रहा है, आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है, गर्मी नहीं है। क्या बेटा कैसा लग रहा है? ये चीकू का फर्स्ट ट्रेन, मतलब ट्रेन जर्नी है, इससे पहले ट्रेन में जर्नी नहीं की है, इसलिए बहुत एक्साइटेड थी। मैं जो है पापा ट्रेन में कैसे जा जाता है, मैं तो कभी गया ही नहीं। आ जा तो बेटा, तुम तो पहली बार ट्रेन में बैठ रही हो, जा रहा है ना बेटा? इससे पहले चीकू कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी है, ये फर्स्ट टाइम होगा ना बेटा? चीकू थोड़ा एक्साइटेड है और मामा के घर जा रही है, ये ज़्यादा एक्साइटेड है ना बाबू? मामा से बातचीत हो गई है, सारा सेटलमेंट हो गया है? अच्छा, हो जाएगी, अभी हो रही है ना। हेलो बोलो सबको। अभी तो काफी दूर चलना है हम लोगों को ना बेटा? अभी तो हम लोग दूर के स्टेशन पार किए हैं और फिर से बारिश आना शुरू हो गई है, फिर से बारिश होने लगी बेटा ना। ये कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा हो गया है, तो हम लोगों को ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। और अनीस, अनीस दिन पूरा नहीं हुआ क्या? बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत सुंदर है, इसलिए मान तो देखने को मिल रहा है।
सो फ्रेंड हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ से शादी हो रही है, जामेशन से हम लोग घर आए और गाड़ी से सामान निकल रहा है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अंदर।